श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए, कल 8 दिसंबर गुरुवार के दिन मार्गशीर्ष मास का आखिरी दिन है। मार्गशीर्ष मास की उदयकाल की पूर्णिमा तिथि है और आपको मात्र एक चुटकी हल्दी से आपका सोया हुआ भाग्य चमकाना है। बहुत ही आसान सा उपाय है, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, गुरुवार का दिन होता है भगवान विष्णु का और पूर्णिमा तिथि समर्पित होती है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को। तो जीवन में अगर आपके दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, जीवन में तकलीफें बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए करना क्या है, बहुत आसान सा उपाय है। मात्र आपको एक चुटकी हल्दी लेना है, 11 चावल के दाने लेना है और उसी से आपको उपाय करना है। देखिए करना क्या है, आपको एक स्टील का पात्र लेना है, उसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है और बाकी शुद्ध जल आपको मिला देना है। अब इस जल के पात्र के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके, 11 बार जाप करके आपको एक चुटकी हल्दी आपको इसके अंदर डाल देनी है। ध्यान रखें, जो जल का पात्र है, जल का जो कलर है, कच्चे दूध का जो कलर है, ये हल्दी का हो जाना चाहिए, पीला हो जाना चाहिए। और साथ में आपको लेना है 11 चावल के दाने। अब आप क्या करेंगे, गुरुवार की पूर्णिमा के दिन आपको जाना है आपके घर में ही तुलसी जी का, जहाँ पर पौधा है, तुलसी जी जहाँ पर आपके घर में है वहाँ पर आपको जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ये आपको अर्पण कर देना है तुलसी जी के वहाँ पर। और उसके बाद 11 चावल के जो दाने हैं वो आपको सीधे हाथ में रखना है और बोलना है ईदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः, ईदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करके तुलसी जी के वहाँ पर आपको जड़ में ये जो 11 चावल के दाने हैं वो आपको अर्पण कर देना है। ध्यान रखें, चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। पूर्णिमा के दिन तुलसी जी में चावल अर्पित करने से आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं और साथ ही साथ हल्दी मिश्रित ये कच्चा दूध अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, ये उपाय आप तुलसी जी के वहाँ पर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ केले के वृक्ष में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दोनों में से जहाँ पर आपकी इच्छा हो वहाँ पर आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से गुरु बृहस्पति भी मजबूत होता है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। ध्यान रखना, पूर्णिमा तिथि उदयकाल की है तो पूरे दिन ही पूर्णिमा तिथि मान्य होगी। ये उपाय आप सूर्यास्त से पहले पहले कर लें। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।